हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चकली, भुजी हुई चकली। तो उसकी मेथड देखते हैं। पहले हम चावल को धो लेते हैं। देखिए, चावल को फटाफट धोते हैं। उसके बाद हवे में घर का गरम टेम्परेचर में मैंने इसे सूखने दे दिया है। इधर दाल है, तीनों दाल, इसको सुखा लेते हैं, फिर आगे का बता। ये देखिए, मैंने इसको धो के सुखा लिया है। 1 किलो के लगभग हो गई है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, 1 कप क्या, 1 कटोरी के आसपास ये पोहे है। इसे भी हम गर्म कर लेंगे। ये देखिए, चटनी डालेंगे लगभग 1 कटोरी से थोड़ा सा कम। थोड़ा सा सुनहरा होने तक उसको भूनेंगे। ऑलरेडी वो भुना हुआ ही है, बट फिर भी थोड़ा सा इसे भूनेंगे। ये देखिए, हमने इसे सबको भून लिया है। अब इसे हम मिक्सर में भी पीस सकते हैं, नहीं तो चक्की पे भी दे सकते हैं। हमारे ऊपर है कि इसे हम कहाँ दें। लेकिन याद रखिएगा, चावल के ऊपर ही इसको पिसाना चाहिए। गेहूँ में पिसाने से इसका ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए। और घर में पीसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, मैंने पिसा के लाई हूँ। पूरे आटे की तरह ही है,
जितना मैदा मैंने पीसा हुआ था, जितना मिक्स है दाल में वो सब है। अब इसके अंदर में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ आगे का आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पानी गर्म रख दिया है, लगभग आधा टोप है, देख सकते हैं आप आधी टोप है, और ये उबाल आ रही है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, ये देखिए आधे चम्मच जीरा है, ये देखिए धनिया है एक चम्मच, एक चम्मच मिर्ची भुनी है, लाल रेड चिल्ली पाउडर है, और आधा चम्मच डेढ़ चम्मच मैंने तीखा दिया हुआ है, तीखा मिर्ची, ये रेड चिली पाउडर है कश्मीरी, आधी चम्मच से कम दिया है मैंने। ये देखिए अजवाइन है एक चम्मच के आसपास, इसको हम इस तरीके से क्रश कर लेते हैं, फिर इसमें डालते हैं। ये तिल है, तिल भी इसमें डाल दे रहे हैं। एक चम्मच नमक डाल दे, और आधे चम्मच के आसपास तेल डाल दो। इसको बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से क्या कर रही है अभी क्या है इसको अच्छे से मिलाते हैं। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद अभी भी फिर भी इसको गरम गरम ही गूंदना है। ये
गरम ही भूनना पड़ता है, इसलिए हम इसको गरम गरम ही भून रहे हैं। आपने देखा होगा इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है, बस इसमें हल्दी नहीं डालते। मैं इसको फटाफट भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने भून लिया है इसे, मगर ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इस बात का इसे ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे जगह में रखें कि इसकी हवा ना लगे, तो मैं इसको इसमें रखती हूँ। जब मुझे थोड़ा थोड़ा बनाना है तो मैं इसकी गोला बना लूंगी। चलिए आगे का